फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। सतह समंदर से 13,700 फीट की बुलंदी पर है ये, और ये जो निकल रहा है सिगरेट नहीं है ये, बल्कि ये जो है वो यहाँ पर सांस की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो वाली सांस नहीं, सांसों माँ वाली, वैसे जो अंदर से सांस आती है ब्रीथिंग वाली, और तो इसकी वजह से सर्दी भी है एंड टेम्परेचर -10 है। तो बस चलो फिलहाल व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इस गाड़ी पर जो है वो सामने देखें, ये स्लो मोशन कर दिया आपके लिए, ये मैं बैठा हूं। और इस गाड़ी में बैठकर पाकिस्तान के मोस्ट डेंजरस रोड, बल्कि डेंजरस माउंटेनियस स्लोप इन द वर्ल्ड में से गुजर रहा हूं। अपने लेफ्ट साइड पे देखें, सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है वो नांगा पर्वत है। ये नांगा पर्वत का सिलसिला है सारा। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें ये नजर आता क्लियर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, और चैनल पे न्यू है तो खुशामदीद। अच्छा वैसे वेलकम और खुशामदीद एक ही है। असल में सर्दी के मारे, ठंड के मारे दिमाग ख़राब हो चुका है। इस वक्त जो है वो -10 का टेम्परेचर है और मुझसे नहीं रहा जा रहा है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, और मोबाइल मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा। तो और अब जो है वो बाबूसर टॉप का सिनेमैटिक शॉट्स कोशिश करता हूँ दिखाने की, हिम्मत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर मैं कोई शॉट बनाऊँ, बिल्कुल जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो चले आ जाए सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बाबूसर टॉप या बाबूसर पास के बारे में, और ये जो बाबूसर टॉप और नाम का फ़र्क है ये भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका आगाज़ करते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है ये बाबूसर टॉप जो है वो 13,700 फीट सतह समंदर से ऊपर है, और इसकी जो ख़ूबी है वो ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से और खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बल्तिस्तान से जोड़ता है। और इसके अलावा इस रास्ते को आप अगर इस रास्ते के ज़रिए जाते हैं तो आप जो है वो 100 किलोमीटर का रास्ता आपको कम तय करना पड़ता है। और जब भी जो है वो टूरिस्ट पॉइंट वाले जो जा रहे होते हैं वो अक्सर यही पता करते हैं कि ये बाबूसर टॉप खुला है या नहीं। इसकी एक वजह है कि बाबूसर टॉप बंद भी कर दिया जाता है, तो इसके लिए मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है पहले। और बाबूसर टॉप जो है वो बर्फ़ की आगोश में जहाँ लिपटा रहता है वहीं पर, इसकी जो सबसे बड़ी ख़ूबी है कि ये जो टूरिस्ट पॉइंट के अलावा इसकी अपनी एक ख़ास नौीयत है जो अपनी इसको एक मुनफरद करता है, और वो ये है कि ये इसका जो ये जिग जैग खूबसूरत रोड बना हुआ है, और मैं इसको खूबसूरत कह रहा हूँ लेकिन ये मोस्ट डेंजरस रूट है पाकिस्तान का, और इसके अलावा ये मोस्ट डेंजरस माउंटेनियस स्लोप से पूरी दुनिया में बाबूर टॉप इसका कहा जाता था। और ये जो है मुग़ल एम्पीरियर बाबूर साहब जो थे वो 16th century में यहाँ से गुजरे थे, तो उसकी वजह से इसको बाबूर टॉप कहा जाता है। बाबूर टॉप से होते होते बाबूसर टॉप हो गया है। ये थी इसकी नाम की कहानी। अब जो है वो अब चलते हैं व्लॉग में, दोबारा इंटर हो जाते हैं, स्टोरी को मारते हैं। एक तरफ साइड पर बहुत ज़्यादा हो गई है ये जो ठंड है ना, मुझे आज पता चला है कि आवाज़ भी सही नहीं निकल रही, लफ्ज़ अदायगी सही नहीं हो रही लफ्ज़ की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है वाकई में। और इतफाक़ ये हुआ है कि मैं दस्ताने अपने भूल गया हूँ, नहीं लाया, और ये इस वक्त जो है ना खड़क हो चुका है पूरा बुरी तरीके से। तो बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन जो है वो ज़्यादा बर्फ़बारी होती तो शायद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता, लेकिन फिर शायद यहाँ हमारे खड़ोने के काबिल भी ना होता जो टेम्परेचर फिर उस वक्त यहाँ पे होता। फ़िलहाल जो है वो जो अच्छा टेम्परेचर इसके साथ है कि एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सकते हैं। मे भी कि इससे ज़्यादा भी ठंड होती होगी, बट हमारे लिए इतनी ही बहुत है। बुरी तरह जो है वो स्लिप हो रहा हूँ, पीछे ये नाम लिखा है सारी, इसको लिखते हुए पूरे पूरे पाँव जो है वो अंदर चले गए थे,
और उसके बाद थोड़ी देर तक तो बहुत देर तक तो सांस ही नहीं आई है। एंड यहाँ हमारा कुछ देर का स्टे है, तो बस यहाँ से अब हमने निकलने की तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी ये यकीनन चिल्लास में। तो पिछले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, पिछले व्लॉग को लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।